हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आई नो भाई, आज आईपैड का वीडियो आने वाला था, बट थोड़ा गेम प्ले डालने का सोच रहा हूँ मैं। और जब भाई सोलो पुश करूँगा तब डालूँगा, मतलब कुछ दिनों में स्क्रिप्ट लिख के डालता हूँ आईपैड का वीडियो। और भाई यहाँ पे उतरता हूँ मैं जॉर्जो, और भाई वन वर्सेस फोर की गेम प्ले। और भाई ये बंदा आता है मेरे सामने, इसको मैं इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। और भाई जब मैं कंटेनर पे था भाई, मैंने गलती से मतलब यूनिवर्सल मार्क से इस जो ये क्रेन होता है ना, स्नाइपर टावर, इसके ऊपर गलती से मार्क लगा, और भाई उसके अंदर M16 थी। और भाई पता नहीं कैसे पर मार्क लग गया। और भाई तभी भाई मैं एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ मेरे हाउस में, और भाई उन के एक बंदे को वेयर हाउस में नॉक करता हूँ, और दूसरे बंदे को वही नॉक करके फिनिश करता हूँ। तभी भाई पीछे की साइड ये दो बॉट लड़ रहे होते हैं, तो भाई पहले मैं इस बॉट को नॉक करता हूँ, और उसके बाद भाई इस बॉट को नॉक करता हूँ। और भाई आप बोलोगे कि भाई पहले बंदे को मार लेता कि अंदर बंदा है, पर भाई मुझे फर्स्ट स्टेप ही नहीं आ रहा था। और तभी देखता हूँ भाई कि इन वाले बंदों का आखिरी वाला बंदा वो साइड पर है, और भाई मैं इस बंदे की पेटी खोल के देखता हूँ, तो भाई ये बंदा कतई मतलब क्रॉसबो लेके मेरे से फाइट ले रहा था। मतलब भाई ये था भाई महान खिलाड़ी था, ये प्रो का प्रो था। तो भाई मैं पहले उसकी पेटी लेने जाता हूँ, पर कुछ मिलता नहीं है। तो भाई पहले इन बॉटों को फिनिश कर देता हूँ मैं, और भाई इन सब की पेटी वेटी लूट के आ जाता हूँ यहाँ पे। और भाई जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, भाई सामने के साइड से DP का फायर होता है, तो मुझे पता चलता है कि और बंदे हैं जॉर्जो में। तो भाई मैं यहाँ से उस कारल में से और भाई K9 में से एमओ उठा लेता हूँ, और भाई मैं सोचता हूँ कि अपनी बेस्ट जगह सबसे पहले भाई सीधा क्रेन पे चढ़ता हूँ मैं, क्योंकि भाई कितने बंदे हैं वो सब पता चल जाएगा, और भाई लोकेशन एकदम एग्जैक्ट पता चल जाती है क्रेन पे चढ़ते ही। इसलिए भाई मैं सबसे ज़्यादा क्रेन पे चढ़ के ही मारता हूँ जॉर्जो में। तभी भाई मुझे यहाँ पे ये बंदा दिखता है, और भाई मेरे स्कारल पे आयरन साइड मेरे से नहीं चलती है, इसलिए मैं उस पर फायर नहीं करता हूँ पहले। और भाई मुझे एक और बंदा दिखता है पीछे की साइड, मतलब दो बंदे थे, ये बात तो मुझे पता चल गई थी। पर तभी भाई नीचे से फुस्टेप आ रहे थे, और ये बंदा दिखता है, और भाई रेस्ट इन पीस। भाई ये मतलब पबजी में ज़्यादा सीरियसली मत लेना है चीज़ को। भाई ये बंदा कतई गार्डन में घूम रहा था, बट इसको सीधा लॉबी के दर्शन करा दिए मैंने एक ही स्प्रे में नॉक एंड फिनिश करके। और भाई तभी ये बंदा दिखता है, और भाई ये बंदा मतलब 10 to 5 HP होगा, क्योंकि इसको एक हेडशॉट पड़ा और बहुत सारे बॉडी शॉट भी पड़े, बट भाई बंदा बच जाता है, नॉक नहीं होता वो। और तभी भाई मैं इस साइड आता हूँ कि इस साइड कोई बंदा आया है क्या। तभी भाई मैं देखता हूँ कि एक बंदा फिर उसके अंदर आ गया है, और भाई ये बंदा यहाँ पे, और भाई ये बंदा ऊपर की साइड चढ़ने के चक्कर में था, बट नॉक कर देता हूँ मैं उसको। और भाई और डैमेज देने के लिए एंगल बनाने की तलाश में होता हूँ कि भाई ऊपर से हो सके तो उसको फिनिश भी कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में आखिरी दो बंदे बचेंगे कि मुझे फाइट लेने को आसान हो जाए। तो भाई मैं यहाँ से कूदता हूँ यहाँ पे, और भाई मुझे लगा था यहाँ से एंगल बनेगा, बट गलती से मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो भाई गन स्विच करता हूँ, और भाई इसको नॉक करता हूँ पहले, जिसको पहले नॉक किया होता है, और उसके बाद दूसरे वाले को। तभी भाई आखिरी वाला बंदा आता है, और भाई तीनों की पेटी बना देते हैं, और भाई अपने उनके दोस्त के साथ पहुँचा देते हैं लॉबी में। और भाई यहाँ से उनकी पेटी वेटी लूट के निकल जाता हूँ मैं, मतलब फुल लूट वूट मस्त हो गई थी मेरी। और भाई यहाँ पे उनकी गाड़ी आई होती है पहले, जब क्योंकि जब पेटी लूट रहा होता हूँ तभी भाई यहाँ से ये गाड़ी जाती है। और भाई कोई कमेंट में नहीं लिखेगा कि सस्ता स्प्रे है, क्योंकि भाई आईपैड पे स्प्रे देना मतलब सामने एक पॉइंट पे स्प्रे मारना अलग होता है, पर ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि आईपैड भाई जायरो पे खेलता हूँ मैं हाई, तो आईपैड घुमा नहीं सकते, और ये फैक्स है, एक्सक्यूज़ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये 2x स्पीड है, और भाई वो 2x स्पीड में इसलिए करता हूँ कि वहाँ से टाइम वेस्ट ना हो। तभी भाई ये बंदा दिखता है मुझे, और भाई इस पर मैं शॉर्ट्स लेता हूँ, और भाई एक बंदा इस साइड पे होता है। तो भाई मुझे अभी तक क्लियर पता नहीं था कि उस गाड़ी में कितने बंदे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई वहाँ से फ्लैंक किया था, बट
उन बंदों को मेरी लोकेशन पता है, तो वापस एक बार फ्लैंक करना पड़ेगा। और भाई इस साइड आके मैं स्कोप इन करता हूँ वहाँ पे, बट बंदा दिखता नहीं है। तो भाई अगर भाई ऐसा इतना ओपन में क्रॉस कर रहे हो ना भाई, तो क्रॉसर हमेशा उस साइड रखो और भाई कूद कूद के देखते रहो। बट तभी भाई जो बंदा मैंने देखा होता है वो रेड ड्रेस वाला, वो भाई क्रेन पे चढ़ता है, और भाई उससे यही गलती हो जाती है। उस बंदे को भाई वहीं पे क्रेन पे नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ मैं इंस्टेंट, और भाई जोन आ जाता है और मैं जोन में जा रहा होता हूँ। मतलब क्योंकि गाड़ी मैंने उस साइड लगा दी और मुझे अब जोन में जाना था, और भाई ये बंदा यहीं पे, ये बात तो मुझे पता थी और मुझे अभी भी नहीं पता था भाई कि कितने बंदे हैं वो। और भाई मैं उछल उछल के पीछे ही देख रहा होता हूँ, और भाई तभी मुझे बंदा दिख भी जाता है वो। मार्क द लोकेशन। और भाई ये मतलब वॉइस में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि भाई मैं हेडफोन के माइक से नहीं, स्पेशल माइक से ये करता हूँ वॉइस ओवर में, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो भाई वहाँ से उसको फिनिश करके और लूट वूट करके आ जाता हूँ मैं यहाँ पे रोजॉक में बग्गी उठा के। और भाई मैं यहाँ पे आते ही भाई बंदे स्पॉट करने के चक्कर में होता हूँ कि भाई कहाँ पे कोई बंदा मिले, और भाई किल मिले तो कंटेंट बने ना भाई, सीधी सी बात है। और भाई यहाँ पे आता हूँ मैं, और भाई सामने के घर पे मुझे गाड़ी दिखती है, और भाई तभी भाई पीछे गाड़ी आ गई, उसका साउंड आता है। और भाई सबसे पहले मैं एक नेड कुक करता हूँ, और भाई नेड फेंकता हूँ, और फेंकने से पहले मुझे डैमेज होता है। बट भाई उस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ जिसने मुझे डैमेज दिया, और भाई सबसे पहले पीछे आके ये फर्स्ट एड लगाता हूँ। और भाई तभी देखता हूँ कि साइड में एक सांप आ गया यहाँ पे रिंग के, और भाई उस सांप के बच्चे को एक स्प्रे में नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे आता हूँ, और भाई मैं ऐसे ही स्कोप इन करता हूँ, और भाई सीधा उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मतलब तीन बंदे आए होते हैं, तीनों को फिनिश कर देता हूँ, और भाई मैं अपने ही बग्गी को बंदा समझ बैठा। मतलब चश्मा बड़े नंबर का लगा है मुझे ऑनेस्टली। और भाई उन सब की पेटी वेटी लूट के आ जाता हूँ यहाँ पे उनकी वाली गाड़ी उठा के, और भाई गलती से थोड़ा ड्राइविंग इधर उधर लेन के चक्कर में हो जाता है थोड़ा, एक्सक्यूज़ देख रहे हो ख़तरनाक। और भाई यहाँ पे आता हूँ मैं, और मुझे ये दिखता है, और भाई ये बॉट था, बंदा था, ये आप लोग देख लेना। और भाई इसको फिनिश करता हूँ मैं, एक ड्रिंक लगाता हूँ, सोचता हूँ भाई एक और ड्रिंक लगा लूँ। और भाई ये जो ड्रिंक लगाई है ना, ये अभी अभी इसी थोड़े से 20 से 30 सेकंड बाद काम आने वाली है। और भाई अभी यहाँ पे ये गाड़ी आती है, भाई मेरी हेल्थ देखना उन्होंने कितनी करी है। और भाई यहाँ पे ये ड्रॉप पहले से पड़ा होता है, और भाई आता हूँ मैं पहले एक नेड कुक करता हूँ, और भाई ये क्लच देखना, पहले इसको नॉक करता हूँ। और भाई इस वाले बंदे को जो नीचे से फ्लैंक कर रहा था, और उसके बाद भाई इस तीसरे वाले को। और भाई मेरे से गलती ये हो जाती है कि भाई मैं नॉक वाले को फिनिश करने के चक्कर में होता हूँ, बट ये मुझे डैमेज देता है। बट भाई 1 HP के साथ आखिरी वाले बंदे को भी मैं फिनिश कर देता हूँ। तो भाई ये क्लच कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और भाई अच्छा लगा हो तो भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और भाई यहाँ पे मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ, उसके बाद एड्रेनल शॉट लगाता हूँ भाई एक। और भाई यहाँ पे मेरे 22 किल हो गए, तो भाई अभी के अभी जाके कमेंट करके बताओ कि भाई कितने किल होंगे टोटल, और चिकन डिनर होगा कि नहीं वो भी। और भाई जब मैं इनसे फाइट कर रहा होता हूँ भाई, तब इनके पीछे से भी फायर हो रहा होता है, तो भाई उनमें सबका पहला बंदा मैं पकड़ता हूँ इसको, तो भाई उसको मैं पहले नॉक करता हूँ। और इस साइड आता हूँ, और भाई इस वाले स्प्रे के साथ उस वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और भाई वहीं पे उसके टीममेट है, ये बात तो क्लियर हो गई थी क्योंकि वहाँ पे स्मोक हुआ। और भाई उसी साइड पे और वहीं पे बंदे होंगे, ये बात इसलिए कंफर्म थी क्योंकि भाई एकदम इंस्टेंट स्मोक बना था वहाँ पे, और दो दो स्मोक बने। तो भाई मैं वहाँ पे एक नेड फेंकता हूँ और इस साइड थोड़ा आता हूँ, और भाई मुझे ये सामने जो नीले कलर का या जो भी चीज़ है उसके अंदर एक बंदा दिखता है। तो भाई मैं सीधा उसको मारना नहीं चाहता था, मतलब नॉक कर सकता था यहाँ पे, जो यहाँ पे ये स्कोप पिन किया वहाँ पे नॉक कर सकता था, बट
मुझे ऐसा लगा था कि भाई उनको अभी मेरी लोकेशन नहीं पता है, और मुझे ये नहीं पता था वो कितने हैं। तो मैं वेट करता हूँ पहले थोड़ा सा कि भाई अच्छे से वो ओपन में आए तो मैं मारूँ फिर आराम से। तभी देखता हूँ कि एक बंदा पीछे की साइड भाग के जाता है, तो मैं उसको थोड़ा डैमेज करता हूँ, पर भाई कम से कम दो बंदे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तीन, ये बात तो पक्का थी क्योंकि एक को मैंने फिनिश कर दिया था पहले ही। तो भाई बहुत ज़्यादा क्रॉस करके, मतलब मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पे आऊँ और भाई इस साइड से पहले सीधा शैक पे जाऊँ, पर तभी भाई इस साइड से बाहर होता है और भाई उस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, और भाई उस बंदे को नॉक करते ही मैं इंस्टेंट फिनिश भी कर देता हूँ। और भाई मैं वहाँ पे वापस स्कोप इन करता हूँ कि भाई और कोई सांप वाप है कि नहीं वहाँ पे, तो भाई नहीं होता है। बट तभी ये बंदा भाई क्रॉस कर रहा होता है वो साइड से ये साइड पे, बट भाई इसको हेडशॉट के साथ और 6x के एकदम जहरीले स्प्रे के साथ फिनिश कर देता हूँ मैं इस वाले बंदे को भी। तो भाई अब दो बंदे फिनिश हो गए थे और पहला एक, मतलब टोटल तीन, और भाई आखिरी का एक बंदा था, तो इतना कोई डर नहीं था। और भाई तभी जो आखिरी वाला बंदा होता है मैं उसको ही फिनिश कर देता हूँ। बट भाई मुझे पीछे लगा कि भाई कोई प्रोन हुआ है, बट वो बाइक पड़ा होता है। तो भाई मैं इन सब की पेटी लूट के भाई मस्त यहाँ पे मज़े से लेटा होता हूँ यहाँ पे, और भाई पेटी वेटी लूट के मस्त अपनी गन वन रिलोड करता हूँ। और तभी भाई मुझ पे पीछे की साइड से शॉट आता है, और भाई उस वाले बंदे को मैं स्प्रे देता हूँ, और भाई बॉडी शॉट के साथ हेड शॉट भी पड़े थे उसको पहले वाले स्प्रे में, इसलिए उसने पीक ही नहीं किया। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, और भाई अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई वहाँ से आ जाता हूँ यहाँ पर गाड़ी उठा के, और भाई इस वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो भाई यह था गेम प्ले में, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और भाई अब तक वीडियो देख रहे हो तो भाई ऑफकोर्स से बात है आपको अच्छी लगी होगी, तो भाई लाइक करो। अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, और भाई इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे साथ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड भाई सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।